सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं, ये है शताब्दी नगर का RRTS का स्टेशन जो बनाया जा रहा है शताब्दी नगर में। और देख सकते हैं अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है, कॉन्कोर्स लेवल का। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे वैसे ही देख सकते हैं यहाँ पर ये पिलर बनाए जा रहे हैं। बीच का पिलर बन गया है, दोनों साइड के पिलर पर अभी पिलर कैप का काम किया जाना है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ रिठानी और प्रतापपुर का स्टेशन। उसके बाद में फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों दुहाई स्टेशन पूरा। उसके बाद में आपको लेकर चलेंगे दुहाई डिपो के अंदर। तो बनी रहिए वीडियो के साथ में, बहुत बेहतरीन वीडियो है आज आप लोगों के बीच में। इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो देखने के लिए मिलेगा इंफॉर्मेशन के साथ में। बहुत कुछ इस वीडियो के एंड में है, बहुत कुछ। तो आप लोग देखो और इंजॉय करो, और आपको दिखाते हैं और बताते हैं चलते हुए कि कहाँ का अभी कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो आप लोग देख सकते हो। अभी हम शताब्दी नगर के स्टेशन को हमने क्रॉस किया है और अब हम चल रहे हैं आगे के लिए। तो देख सकते हैं, अभी आपको बता दूं कि बीच में कोई ही पिलर नहीं बना है, कोई नहीं गड़ा है। अभी साइडों के बनाए जा रहे हैं, लेफ्ट में और राइट में दोनों के। तो देख सकते हैं पिलर स्टैंड होने का काम चल रहा है अभी। देख सकते हैं इन पर ये बीच के पिलर भरे जाएंगे और साइड वाले जो लेफ्ट वाले पिलर हैं उनमें अभी ये सरिया का ढांचा खड़ा किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ सेटिंग लगी हुई है और इनमें आप कंक्रीट भरा जाएगा तब ये कंप्लीट होंगे। तस्वीरें आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं दोस्तों। देखिए अभी यही वर्क चल रहा है क्योंकि अभी ये पिलर बनाने का ही काम चल रहा है। और इन पर देख सकते हैं जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें कंक्रीट भरा जाएगा, देख सकते हैं। और इस पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है। तस्वीरें अपनी आँखों से देख सकते हैं आप लोग, और देख सकते हैं इस पर पिलर कैप का काम किया जाना है। इस पर सेटिंग लगा दी जा चुकी है और देख सकते हैं इस पर भी ये। तो ऐसे ही काम चल रहा है अभी मेरठ के अंदर। तो अभी हम चल रहे हैं रिठानी के स्टेशन पे, और रिठानी के स्टेशन पे देखेंगे चल के वहाँ कितना कुछ काम चल रहा है। तो बीच में देख सकते हैं ये सामने लॉन्चर लगा हुआ है जो कि रिठानी स्टेशन के बाद में लगाया गया है, यानी कि रिठानी स्टेशन और शताब्दी नगर के स्टेशन के बीच में ये लॉन्चर लगा हुआ है। एक पिलर से दूसरे पिलर को ये लॉन्चर जोड़ता जा रहा है बायोडक्ट को। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं इसने कितना कुछ बायोडक्ट जोड़ चुका है वो आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए, आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग, देखा पूरा बायोडाटा क्लियर हो चुका है और ये आ चुका है रिठानी के स्टेशन। तो रिठानी के स्टेशन पर भी अभी देख सकते हैं दोनों साइड के पिलर बनाने का काम चल रहा है। इन पर सेटिंग लगी हुई है क्योंकि ये पिलर बने इतने ही बनाए जाएंगे, इन पर बीच में बीम रखा जाएगा। आपको बता दूं कि कॉन्कोर्स लेवल का तो काम बिल्कुल कम्प्लीट हो गया। अब जो प्लेटफॉर्म का जो सेकेंड फ्लोर है वो बनाया जा रहा है इस रिठानी के स्टेशन पर। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं क्योंकि कॉन्कोर्स लेवल का जो काम था वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया गया। और देख सकते हैं यहाँ पर ये बीम रख दिए गए हैं बीच में, दोनों पिलर के बीच में ये बीम रख दिया गया। ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इस पर लगाया जाना है लॉन्चर, और लॉन्चर द्वारा ये कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों, ये आ चुका है प्रतापपुर का RRTS का स्टेशन। तो देख सकते हैं अभी दोनों साइड के पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि ये बीच में बीम रख दिया जा चुका है। और आपको बता दूं कौन कौन से लेवल का तो काम हो चुका है, और ये जो प्लेटफॉर्म का जो सेकंड फ्लोर है वो बनाया जा रहा है अभी। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से क्योंकि दोनों साइड में ये एक दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का ही काम चल रहा है और स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि अभी मेरठ के अंदर बहुत सारा काम है करने के लिए। दोनों साइड के अभी तो पिलर ही भरे जाएंगे कंक्रीट द्वारा, फिर इन पर पिलर कैप का काम किया जाएगा। जैसे कि ये किया जा रहा है पिलर कैप का काम, देख सकते हैं इन पिलरों पर
पिलर कैप का काम ही अभी किया जा रहा है दोस्तों। और अब हम चल रहे हैं आपको दिखाते हुए, और अब हम चलेंगे आपको बता दूं मेरठ साउथ के इस स्टेशन को देखेंगे चल के, क्यों वो तो देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं ये अभी इस पर रिंग लगाया जाएगा, रिंग लगाए जाने के बाद इसमें कंक्रीट भरा जाएगा। ये देख सकते हैं अभी यही काम चल रहा है दोनों साइड में, क्योंकि ये बीच में फ्लाईओवर पड़ रहा है तो इस वजह से ये अभी लेफ्ट हैंड पे चलेगी, फिर ये बीच में ही आ जाएगी यानी कि कर्व ले लेगी। देख सकते हैं ये यहाँ से कर्व ले लेती है लेफ्ट में, अब फिर ये कर्व लेकर फिर ये राइट में आ जाती है बीच में, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है फ्लाईओवर। तस्वीर आप तो देख सकते हैं ये रेलवे लाइन का फ्लाईओवर है गाइस, और देख सकते हैं ये फ्लाईओवर से स्टार्ट होने से पहले ये पिलर बन चुके हैं, बन के अब इन पर बस पिलर कैप का काम ही किया जाना है, बाकी तो ये कंप्लीट से ही हो गए हैं। कहीं कहीं इनमें अभी देखिए कंक्रीट भरा जा रहा है, कहीं कहीं इनमें भर दिया जा चुका है। तस्वीरें यही हैं, देख सकते हैं वो सामने का पिलर दिखाई दे रहा होगा आपको, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आगे। तो अभी हम इस फ्लाईओवर पर चढ़ चुके हैं, और चढ़ने के बाद में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पर ये जा रही है RRTS और ये यहाँ जाके निकलती है। तो देख सकते हैं अभी ये पर ये ट्रक के पास में ये देख सकते हैं ये पाइलिंग मशीन खड़ी हुई है, और ये यहाँ पर ये पिलर बनाए जा रहे हैं। देख सकते हैं सेटिंग लगी हुई है, इसमें रिंग लगाए जाने के बाद में इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा, और वो तो पहले ही बन चुके थे। तो आज हम देखो किस तरीके से ले कर चलेंगे आपको, और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया गया है, इसको हम कैसे क्रॉस करेंगे। ये तो है मेरठ अंदर जाने के लिए ये वाला अंडरपास, और ये है बाहर निकलने के लिए दोस्तों, यानी कि मोदी नगर जाने के लिए। नीचे से के ऊपर कोई नहीं है, मतलब कि ऊपर चढ़ने के लिए नहीं है इस पर। तो देख सकते हैं दोनों साइड का किस तरीके से ये बनाया है, देखो नज़ारा आप लोग खुद देख सकते हो अपनी आँखों से। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है दुहाई स्टेशन का काम। तो देख सकते हैं अभी आपको बता दूं यहाँ पर देख सकते हैं ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और कहीं कहीं गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है, उन पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आपको बता दूं यहाँ से दो भागों में ये लाइन बट जाएगी, एक तो डिपो के लिए चली जाएगी लेफ्ट वाली, और राइट वाली सीधी मेरठ के लिए चली जाएगी। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, अभी यहाँ पर तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है इस दुहाई स्टेशन का, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए दोस्तों। तो अभी मैं आप लोगों को अंदर डिपो के अंदर भी लेके चलूँगा, तो आप लोग बने रहिए KP संत के साथ में, और ऐसे ही वीडियोस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देखते रहो KP संत के चैनल पर। KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इंटरटेन करता रहता है दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी लेफ्ट हैंड का ही जो काम है वो अभी चल रहा है, क्योंकि राइट हैंड पर तो लॉन्चर द्वारा इस बायोडक्ट को जोड़ा जा रहा है, और लेफ्ट हैंड वाला जो डिपो के अंदर जाएगा उस पर गाटर के थ्रू ये बायोडक्ट तैयार किया जा रहा है। तो अभी तो इस एरिया में पूरे में फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, और कहीं कहीं इस पर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है। तो देख सकते हैं अभी फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है, तो यही काम चल रहा है अभी दुहाई के स्टेशन पर। और जो दुहाई का मेन स्टेशन है दोस्तों, और वो आपको बता दूं कि उस पर जो अंदर का काम है उस पर स्टेयर लगाई जा रही हैं, और उस पर एस्किलेटर जो मशीन होती है वो लगाई जा रही हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जा रहे हैं। तो अभी तो यही वर्क चल रहा है यहाँ पर, अभी ये फ्लोरिंग हो जाने के बाद में फिर इस पर साइडों के जो पैराफिट वॉल हैं वो लगाए जाएंगे, और फिर उसके बाद में इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाएंगे, और खंभे लग जाने के बाद में दोस्तों इस पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाई जाएगी खंभे के ऊपर, फिर उसके बाद में ओवरहेड वायरिंग डाली जाएगी पूरे रूट पे। तो आपको बता दूं कि कहीं कहीं इन पर आपको बता दूं ट्रैक स्लैब भी ऊपर जा चुके हैं, और ऊपर डलने स्टार्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। ये JCB क्रेन मशीन पाइलिंग मशीन यही मशीन है आप लोगों के यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी
इस रूट पे। और ये रूट है 82 किलोमीटर का और ये 30,274 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। और जो इस पर रैपिड रेल दौड़ेगी वो दौड़ेगी 180 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गई, आप लगा सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो स्टेशन बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही आधुनिक तरीके से यहाँ के स्टेशन बनाए जा रहे हैं और बहुत ही आधुनिक तरीके से ये रैपिड रेल बनाई गई है। और आपको बता दूं, सब लोग कहते हैं दोस्तों कि ये रैपिड रेल है वो से मेट्रो समझते हैं, ये मेट्रो नहीं है, ये पहली बार हमारी इंडिया लैस है। और आपको बता दूं ये इसलिए ये रैपिड रेल नहीं है क्योंकि ये लंबे रूट को जोड़ती है, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्टिविटी तेज हो जाए इसलिए इसको नई लाइन बनाई गई है। आपको बता दूं पूरा बायोडक्ट क्लियर हो चुका है, बस ये 3 पिलर बचे हुए हैं, अब तो 2 ही पिलर बचे हैं देख सकते हैं। और ये पूरा बायोडक्ट क्लियर हो जाएगा मुरादनगर तक। आपको बता दूं साहिबाबाद से लेकर और मुरादनगर तक का ये 2 पिलर कनेक्ट करते ही बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं 17 और 6 लगा लो कितने हो गए 23-24 किलोमीटर का ये पूरा बायोडक्ट क्लियर कर लिया जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी यही वर्क चल रहा है। और आपको दिखाते हैं, अभी मैंने लेफ्ट हैंड का दिखाया था, अब आपको राइट हैंड का दिखाते हैं कि राइट हैंड पे कितना कुछ वर्क चल रहा है। ये 2 पिलर कनेक्ट करते ही ये आपको बता दूँ 24 किलोमीटर का बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया जाएगा। जो 17 किलोमीटर का बायोडक्ट है वो तो क्लियर सही हो चुका है, 6 किलोमीटर का जो बायोडक्ट है यानी कि दुहाई से लेकर और मुरादनगर के बीच में, उस पर आपको बता दूं इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे भी लगा दिए जा चुके हैं, उन पर आप बता दूं ट्रैक स्लैब भी ऊपर पहुंचा दिए जा चुके हैं। अब ट्रैक स्लैब इस पर डलने स्टार्ट हो चुके हैं इस 6 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी यही काम चल रहा है और इस पर ये जो डिपो के लिए जा रही है लाइन उस पर अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है और इस पर तो लॉन्चर लगा हुआ है। तस्वीरें नहीं देख सकते हैं, तस्वीरें आप लोग। तो ये हम जा रहे हैं अभी गाजियाबाद की साइड में, तो आप लोगों को दोनों साइड से दिखाते हैं कि दोनों साइड का वर्क कितना कुछ चल रहा है और कहां कहां पर यहां पर वर्कर काम कर रहे हैं। आपको बता दूं जितने भी वर्कर हैं यहां पर, आपको बता दूं 14,000 वर्कर इस रूट को बना रहे हैं और 11,000 इंजीनियर्स द्वारा इस 82 किलोमीटर के रूट को कंप्लीट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है तेज़ी के साथ में। और आपको बता दूं इसकी डेडलाइन है 2025, लेकिन 25 से पहले ही ये बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया जाएगा। और जो 17 किलोमीटर का पार्ट है जिसमें RRTS चलाई जानी है वो चलाई जानी है 2023 के मार्च से गई, इस पे ट्रैक पे ट्रायल लाइन स्टार्ट हो जाएगा 17 किलोमीटर के दायरे में और उस पे आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो 17 किलोमीटर के रूट में ही अभी इस पर RRTS रैपिड रेल दौड़ेगी दोस्तों, तो उसका भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए धैर्य के साथ में और केपी संत के चैनल पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा उस दिन का नज़ारा, आप लोगों को दिखाएगा केपी संत। लगा हुआ है तेज़ी के साथ में और मैं अपनी पब्लिक को, अपनी फैमिली को दिखाने की और बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, तो आप लोग देखना। और आपको बता दूं कि आप लोगों के बीच में जो अगले वीडियो आने वाले हैं वो आएंगे साहिबाबाद से आनंद विहार, न्यू अशोक नगर और सराय काले खां का रूट अब दिखाएंगे आप लोगों के, उधर कितना कुछ काम चल रहा है, वर्क चल रहा है उधर, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आपको बता दूं देख सकते हैं जो राइट वाला जो बायोडक्ट है वो तो जा रहा है दुहाई डिपो के अंदर, उस पर अभी फ्लोरिंग किया जा रहा है और कहीं कहीं इस पर गाटर लॉन्चिंग भी की जा रही है। और गाटर लॉन्चिंग कहाँ कहाँ की जा रही है वो आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं दोस्तों। देखो आप लोग कि गाटर लॉन्चिंग यहाँ पर की जा रही है, ये देख सकते हैं, ये बस ये 3-4 पिलर, ये 2 पिलर बचे हुए हैं जिन्हें गाटर लॉन्चिंग की जा रही है। देखिए ये गाटर लॉन्चिंग की जाती है इस तरीके से, ये गाटर लॉन्चिंग हो रही है और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। और देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं इस स्टेशन के नीचे, जो दुहाई का स्टेशन है मेन, उसके नीचे आ चुके हैं। तो आपको बता दूँ एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट अभी नहीं बने, बनाए जा रहे हैं दोनों साइड में, और जब बन जाएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे
और बताएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ कि हमारे वीडियो कैसा लगता है आप सभी को। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ दोस्तों, तो देख सकते हैं। और अब यहाँ से हम चलने वाले हैं दोस्तों दुहाई डिपो के अंदर, तो दुहाई डिपो की भी तस्वीरें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो देख सकते हैं ये है दुहाई डिपो का नज़ारा, और अभी दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये रोड बनाई गई है। क्योंकि पहले ये आम पब्लिक के लिए, आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर गाँव है बिक्कनपुर और दूसरे गांव में कनेक्टिविटी देने के लिए यहां पर ये अंडरपास बनाया गया है। तो अंडरपास की वजह से ही यहां पर ये रोड नहीं बनी थी, अब ये बना दी गई। ये है अंडरपास, देख सकते हैं जिसके ऊपर हम चल रहे हैं अभी, ये अंडरपास है और ये लाइन बिछाई जाएगी अभी, क्योंकि इस अंडरपास को, इस अंडरपास के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन चलेगा, फिर ये लाइन क्लियर की जाएगी। और यहीं पर पुरानी वाली RRTS ये खड़ी हुई है, देख सकते हैं रैपिड रेल। और रैपिड रेल किस टाइप की है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। देखो ये है रैपिड रेल, तो कैसी दिखती है। और इसका अभी ट्रायल रन चल रहा है इस डिपो के अंदर ही, अभी इस डिपो के अंदर ही इसका ट्रायल रन चलता रहता है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से, ये है पुरानी वाली रैपिड रेल। और पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है, उसमें वो नई जो आई है दूसरी RRTS जो रैपिड रेल, वो उसके डिपो के अंदर खड़ी हुई है, यानी कि 10 सीट के अंदर, वो लास्ट वाला जहाँ से अभी हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये है पूरी रैपिड रेल किस टाइप की, और ये बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाई गई है, बहुत ही इसमें फैसिलिटी दी हुई हैं। और अभी जो वंदे भारत अभी चलाई गई है, आपको बता दूँ अहमदाबाद से और मुंबई के बीच में जो चलाई गई है, मोदी जी ने अभी उसका मुहूर्त किया है, देख सकते हैं कुछ इस टाइप की दिखती है ये रैपिड रेल, कैसी है आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। अभी इधर का भी आप नज़ारा देख लो, और आपको अभी दूसरा साइड का भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, उधर कितना कुछ काम चल रहा है वो भी आप लोगों को दिखाएं। तो अभी इस पर ट्रैक भी बिछाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रैक बिछाने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इस पर वर्क चल ही रहा है तेज़ी के साथ में, कि इस पर सन 2023 के बाद में इस पर काम बिल्कुल कम्प्लीट कर लिया जाएगा। तो तेज़ी के साथ में अभी चल रहा है वर्क, तो वो भी आप लोग देखना अपनी आँखों से दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं ये हम डिपो के अंदर से आ चुके हैं, और देख से ये बायोडक्ट है जो डिपो के अंदर जा रहा है, और अब हम चलेंगे दूसरी साइड में, उधर का भी आपको कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे। पहले ये रोड नहीं थी, इन्होंने ही बनाई है, ये RRTS वाला NCRTC नहीं बनाई है। और देख सकते हैं ये कंक्रीटिंग के कितने सारे ट्रक खड़े हुए हैं, आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो। और इसके बगल में ही ट्रैक स्लैब रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी ये नई रोड इन्होंने बनाई है NCRTC वालों ने, देख सकते हैं यहाँ पर ये कंक्रीटिंग की जा रही है, देख सकते हैं ये अभी कंक्रीटिंग की जा रही है, इस पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, देख सकते हैं ये बीच का डिवाइडर बना दिया गया है, दोनों साइड में ये रोड निकाल दी गई है, ताकि ये स्टेशन पर आवाजाही हो सके, क्योंकि ये यहाँ पर स्टेशन है दुहाई का स्टेशन, वो भी आप लोगों को आगे दिखाएंगे और बताएंगे भी, तो आप लोग खुद ही अपनी आंखों से देखना। तो अभी उसके पास में चल रहे हैं, फिर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हमारे वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं फिर भी कमेंट करके बताओ, ख़राब लगता है फिर भी कमेंट करके बताओ, जो भी दिक्कत जो भी परेशानी है वीडियो के अंदर वो भी आप हमें कमेंट करके बताओ। वो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हैं ये
दुहाई डिपो का स्टेशन बन रहा है, और अभी इस पर जो तीन साइड का काम था वो भी हो चुका है। सनरूफ अभी बनाया जा रहा था इस पर ऊपर, तो वो भी बना लिया जा चुका। और देखिए यहाँ पर जो बीच का ये डिवाइडर है ड्रेनेज सिस्टम, इसमें मिट्टी भरी जा रही है और फिर इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और साइड के देखिए ड्रेनेज सिस्टम ये बना लिए गए हैं, ड्रेनेज सिस्टम देखिए ये राइट हैंड वाला ये बना लिया जा चुका है। और पीछे अभी कंक्रीटें इसमें भरी जा रही थी दोनों साइड में, देख सकते हैं आप लोग अपनी आँखों से। और यहाँ पर ये NCRTC का ये ऑफिस है, ऑफिस तो नहीं है इसमें, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग का जो सामान है वो है इसमें। और यहाँ पर ये गोल चक्कर बनाया गया है, ये गोल चक्कर बन जाने के बाद में फिर देखना यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लगता है और कितना सुंदर है। तो देख सकते हैं अभी ये दोहाई डिपो के अंदर जो स्टेशन बनाया गया है उस पर अभी काम चल रहा है। तो देख सकते हैं ये कंक्रीट की मदद से ये पिलर भरे जा रहे हैं। तो अभी इस पर टीन सेट का तो काम हो चुका है, देख सकते हैं ये जो ऊपर का सनरूफ था वो बिल्कुल बनके कंप्लीट हो चुका है। और अब हम चल रहे हैं अंदर की साइड में, तो आप लोग इस साइड से भी खुद देख सकते हो अपनी आँखों से नज़ारे कैसे हैं, कि KP संत आप लोगों के बीच में ऐसे ही वीडियोस लाता रहता है, आप लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश करता और करता भी है। तो आप लोगों से मेरी बस यही एक ही गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो हमारे वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को भी पता चले कि KP संत किस टाइप के वीडियोस बनाता है, कैसे वीडियोस लाता रहता है, कैसी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। और आप लोग सुझाव भी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करो ताकि मेरा हौसला और बढ़े। और आप लोग बताओ जहाँ पर भी जो गलती हुई है वो भी मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो बस यही है आप लोगों के बीच में, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों के बीच में मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, और आने वाले टाइम में तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों KP संत के चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखो, जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी आ रही है मेरे कैमरे में वो भी क्लियर कर ली जाएगी दीपावली के बाद, देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो और चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से।